हजारों की भीड़ के बीच दिखा मुनव्वर फारूकी का जलवा डोंगरी में हुआ ग्रैंड वेलकम। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी की हर ओर चर्चा है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी शो जीतने के बाद आज अपने घर डोंगरी पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस ग्रैंड वेलकम का वीडियो भी सामने आया है। बिग बॉस का 17वां सीजन विवादों से भरा रहा। सबसे विवादित कंटेस्टेंट रहे मुनव्वर फारूकी ने शो जीता और अपने जन्मदिन पर बिग बॉस की ट्रॉफी उठाने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए। बर्थडे के खास मौके पर उन्हें जनता ने वोटों के तौर पर सबसे अच्छा तोहफा दिया। कई आरोपों के बावजूद मुनव्वर ने बीबी हाउस में दर्शकों का मनोरंजन किया और तगड़ी फैन फॉलोइंग के चलते शो जीतने में सफल रहे। शो जीतने के बाद अब मुनव्वर फारूकी अपने घर डोंगरी पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है। जब अपनी गाड़ी से मुनव्वर फारूकी डोंगरी पहुंचे तो वहां उनकी गाड़ी को भारी संख्या में लोगों ने घेर लिया। इस दौरान बिग बॉस 17 के विजेता अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन किए। उन्होंने अपने चाहने वालों को धन्यवाद कहा और इसके साथ ही अपने फोन से लाइव करते भी दिखे। बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी की फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्हें और अधिक जनता का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। बिग बॉस 17 का यह सीजन रोमांच और मनोरंजन से भरा रहा। शो में खूब लड़ाई झगड़े और विवाद देखने को मिले। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ से न सिर्फ कई खुलासे हुए बल्कि चरित्र पर कई दाग भी लगे। आयशा खान ने कई आरोप लगाए। उनका दावा था कि मुनव्वर फारूकी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि कई लड़कियों को चीट किया। वो एक ही वक्त पर कई लड़कियों को डेट कर रहे थे। इन आरोपों को दरकिनार करते हुए मुनव्वर फारूकी गेम में डटे रहे और शो जीत गए। बता दें, बिग बॉस 17 के विजेता बनने से पहले मुनव्वर फारूकी ने कंगना रनौत का शो लॉकअप भी जीता था। उस शो में कंटेंट क्रिएटर अंजलि अरोड़ा के साथ उनका लव एंगल देखने को मिला था। इस शो में ही उनकी पत्नी और बेटे का खुलासा हुआ था। शो से आने के बाद पता चला कि एक्टर पत्नी से तलाक ले रहे हैं और इस बीच वो नाजिला नाम की इंस्टाग्रामर को डेट कर रहे हैं। इससे पहले भी मुनव्वर फारूकी के नाम विवादों की लंबी लिस्ट है। मुनव्वर फारूकी को जेल भी जाना पड़ चुका है। उनकी स्टैंड अप कॉमेडी उन पर काफ़ी भारी पड़ी थी। एक धार्मिक टिप्पणी के चलते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिलहाल अब वो अपनी नई सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से ब्यूरो रिपोर्ट।